नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है अमेरिकी राजनयिकों की रहस्यमय बीमारी या माइक्रोवेव हमला। अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी समिति की एक हालिया रिपोर्ट में चीन और क्यूबा में अमेरिकी राजनयिकों के डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण बीमार होने की आशंका जताई गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 से 2018 के बीच हवाना और चीन के ग्वांगझोऊ स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के लगभग दो दर्जन अमेरिकी राजनयिकों के अचानक किसी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आने का कारण पता लगाने की नवीन कड़ी में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने डेविड रिलमैन की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने अपने अध्ययन में यह पाया कि सिर में भारी दबाव महसूस करना, चक्कर आना और अन्य समस्याएं डायरेक्टेड पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा के कारण हुई हो सकती हैं। हालांकि समिति ने न ही ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताया और न ही यह कहा कि ये किसी हमले के बाद पैदा हुई थी, लेकिन इस प्रकार की बीमारी पर पूर्व में शोध होने की बात समिति ने जरूर कही। डेविड रिलमैन ने कहा कि इस चिकित्सा रहस्य का पता लगाने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सभी प्रभावित लोगों में लक्षण एक समान नहीं थे और साथ ही गोपनीयता के कारण समिति सभी अध्ययनों के नतीजों को हासिल नहीं कर पाई। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि ये मामले काफी चिंताजनक हैं। न सिर्फ डायरेक्टेड पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा को एक तंत्र के रूप में इस्तेमाल करने की भूमिका के संदर्भ में, बल्कि उन अहम दिक्कतों के कारण भी जो उनमें से कुछ लोगों में पैदा हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम एक राष्ट्र के रूप में इन विशिष्ट मामलों और भविष्य में सामने आ सकने वाले मामलों से एक ठोस, समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण के साथ निपटने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं क्या है माइक्रोवेव हथियार। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रूप है जिसका इस्तेमाल खाना पकाने और रडार सिस्टम में होता है। 2008 में ब्रिटेन की न्यू साइंटिस्ट मैगजीन के अनुसार माइक्रोवेव शरीर के ऊतकों को गर्म करता है और कानों के जरिए यह सिर के अंदर एक शॉक वेव पैदा करता है। इस तकनीक को हथियारों की तरह इस्तेमाल करने के लिए कई देश रिसर्च कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2017 की पॉपुलर साइंस रिपोर्ट के अनुसार चीन इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग द्वारा मिसाइल या दूसरी मशीनरियों को बेकार करने हेतु माइक्रोवेव हथियारों पर कार्य कर रहा है, जो 300 से 3 लाख मेगाहर्ट्ज के बीच एनर्जी पल्स के साथ किसी निशाने पर हमला कर सकते हैं। इतनी एनर्जी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ओवरलोड कर देगी, जिससे वे बंद हो जाएंगे। ये हथियार ड्रोन या क्रूज मिसाइलों पर भी रखे जा सकते हैं।